मैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर जो यूपी के स्कूलों की स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल बहुत ऐश कर ली, 1 साल बचा हुआ है आपके पास। या तो आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक कर दीजिए, उनकी इस तस्वीर को बदल दीजिए, नहीं तो 1 साल बाद जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल देगी और 1 साल बाद वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करके दिखाएगी। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं, दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं, मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है, योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहाँ आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में।